Guys, मैंने किया था कि मैं थ्री मंथ्स का आई अपडेट बनाऊंगा uh, मुझे तो नहीं लगता था कि चलेगी बट पता नहीं उसका इतना अच्छा क्या मैं टीचर बन <laughs> सबसे पहले लोग यही पूछना चाहते होंगे कि हेलोज अब मुझे दिखते हैं हेलोज मुझे जीरो दिखते हैं दूसरी चीज लोग तो सबसे इच्छुक है जानने के लिए कि रिंग्स का क्या हाल है लाइट के आगे रिंग्स कैसे बड़ी लाइट है रिंग सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कम नोटिस होती हैं इफ माई ब्रेन इज लुकिंग फॉर इट आम गना नोटिस इट वरना बहुत ही ज्यादा होती है मतलब अब मैं जाता भी हूँ ट्रैफिक में रात में भी ड्राइव कर रहा होता तो बिल्कुल नोटिस भी नहीं होती अनटिल माई ब्रेन रियली वॉन्ट्स टू फोकस ऑन द रिंग्स अब मैंने इसको बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझा था मैं तो मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल जस्ट लाइक वेन यू स्टार्टेड यूजिंग अ न्यू आईफोन ठीक है जब ये न्यू वर्जन आया था तुमने देखा होगा इसमें इसमें नॉच है है ना जब पहली बार नॉच वाला आईफोन आया था तो मुझे याद है कितना अनॉइंग लगता था नॉच देखना कि भाई ये तो इट्स ऑलवेज देयर ये दिखती ही रहती है दिखती ही रहती है तो विद टाइम योर ब्रेन स्टार्ट्स टू इग्नोर इट एंड जस्ट लाइक दैट आई थिंक ये सबसे अच्छी एनोलॉजी दे सकता हूं मैं कि तुम्हारा दिमाग भी ऐसे रिंग्स देखना बिल्कुल इग्नोर कर देता है एक मैंने बहुत अच्छा पॉडकास्ट देखा था डॉक्टर हिब्रमन का वो आइस के बारे में समझा रहा था कि हाउ आई आईज वर्क एंड कितनी कैलकुलेशन करती है कितना वो करता है कि मेरी फोकस क्यों नहीं करना चाहती रिंग्स पे। ऐसा नहीं है नहीं है इफ आई रियली वॉन्ट टू आई विल

द हाई बीम बट अगर कोई हाई बीम करेगा तुम पर इन एन एरिया जहां पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है तब तब रिंग्स तुम्हें दिखेंगी बट अब तो वो भी नहीं दिखती मुझे नोटिस नहीं होती ऑब्वियसली दिखती तो होगी ऑब्वियसली अराउंड तो होंगी बट नोटिस नहीं होती उसके बाद बात कर लेते हैं मेरे तीन मंथ के बाद फोकस की मैं बताना चाहता हूं कि मेरी एक आंख में इस वाली लेफ्ट आई में सिक्स बाई सिक्स नजर है बट मेरी राइट आंख में सिक्स बाई सिक्स नहीं है और मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों हुआ क्या मैं ना आफ्टर लाइक आई थिंक आफ्टर टू मंथ्स ना मैं पूरे दिन यही करता रहता था, था ये कि इस आंख से बहुत क्लियर दिख रहा है इस आंख से बहुत क्लियर दिख रहा है इस आँ से बहुत क्लियर नहीं दिख रहा फिर मेरे मन में डाउट हो गया कि क्या पता सर्जरी गलत हुई हो लेंस गलत डाल दिया ये कर दिया वो कर दिया तो उसके बाद मैंने दोबारा अपना डाउट क्लियर करने के लिए डेली गया दोबारा चौबीस सौ खर्चे क्योंकि मुझे था कि ये वीडियो में भी बताना है मैंने एंड इसका रीजन ये था कि उसने मुझे बताया कि मेरी लेफ्ट आंख में पॉइंट फाइव सिलेंड्रिकल है एंड द थिंग इज की

अगर हम पॉइंट फाइव सिलेंडर तुम्हारी आंख में कर भी देते हैं उसकी कोई श्योरिटी नहीं है फुल प्रूफ की वो ठीक हो जाएगा मुझे खुद बोला वो सर्जरी परफॉर्म करती है सोच तो लो ऊपर से मैं कुछ कुछ चीजें जो नोटिस की है मैं बताना चाहता हूँ सब टाइटल्स मुझे अभी भी याद है जब सब टाइटल्स में टीवी में देखता था पहले स्पेक्स से एकदम क्लियर शार्प एजेस दिखते थे उसके एकदम क्रिस्प अब वैसा नहीं होता अब थोड़े से ऐसे मतलब वो शार्प नहीं होते बहुत सारा एजेस ठीक है अभी मेरा सिलेंड्रिकल वाले लेंस नहीं है तो मैंने ये भी देखा है जिनके साथ में सिलेंडर लेंस भी होता है, तो उन्हें डबल विजन भी दिखता है बाकी वीडियोस देखना, इतने क्लियर नहीं, no नहीं होते बट इन द वर्ल्ड जैसे कि मेरे लेंस के ऊपर जाइस लिखा है ठीक है नंबर लिखे हैं कुछ वो साफ पड़े जाते हैं अब मैं फाइनली कोई भी ड्रॉप्स नहीं डालता हूँ आंखों में दूसरा काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आंखों के चश्मे का नंबर क्या है तो मैं बताता हूँ मैंने किस नंबर पे कराया था आइस तो मैं डालता था माइनस टू पॉइंट फाइव के चश्मे माइनस टू पॉइंट फाइव के चश्मे डालता था दोनों आंखों में बट जब मुझे याद है मैं सर्जरी करवाने गया उन्होंने मेरी आंखें टेस्ट करे थे बिफोर कि आपकी चश्मे का नंबर क्या है ऑल उन्होंने नोटिस किया कि मैंने छः बाय छः लाइक कम पावर में ही पढ़ ली तो उन्होंने मुझे बोला उस टाइम पे कि आपको पता है आप चार पाँच सालों से ज्यादा नंबर का चश्मा डाल ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर तुम ऐसे ही जाके होते नहीं वो छोटे छोटे बूथ में जाके तुम चेक करवा लेते हो तो तुम ना प्रॉब्ली ज्यादा नंबर का चश्मा लगवा लोगे और ज्यादा नंबर का चश्मा तुम्हारी आंखों को और हैंडी करेगा जिससे तुम्हारा और नंबर बढ़ेगा तो प्लीज़ वो गलती मत करना कोई अच्छी जगह से जाके चेक करवाना मुझे भी अभी जाके पता लगा था और ये मुझे पता कहाँ से लगा ये डॉक्टर ह्यूमन के पॉडकास्ट में ही पता लगा मुझे उसने और भी काफ़ी चीज़ें बताई कि जैसे कि तुम्हारी दोनों आंख में अलग दिखता है ठीक है दोनों आँख सेम नहीं देखती ओके क्योंकि तुम्हारी आँखें इज लाइक परफॉर्मिंग अ सो मेनी कैलकुलेशंस जो अराउंड हो रही हैं उसके अराउंड एंड ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेज रही हैं एंड बोथ ऑफ दी आइज आर नॉट वर्किंग इन हार्मनी ऐसा लगता है कि हार्मनी वर्क कर रही हैं बट वो दोनों आइज एक तरह से कंपटीशन में एक दूसरे के तभी तुम देखोगे लेजी वगैरह लोगों की हो जाती है कि एक आंख छोटी हो जाती है दूसरी से तो हाँ उसकी भी टेक्निक होती है कि तुम एक आंख बंद करो पता नहीं कहां पहुंच गया मैं पर लेजी आई के लिए एक आंख बंद करो एंड दूसरी आंख से फोकस करने की कोशिश करो ताकि इस आंख की मसल ज्यादा वर्क करे जो तुम्हारी वीक है आई नो विल यू विद दिस बट प्लीज पॉडकास्ट देखना बहुत अच्छा है बहुत अच्छा पॉडकास्ट भी नहीं अकेला ही बात कर रहे अ लॉट ऑफ पीपल आई थिंक जो परफॉर्म करते हैं सर्जरीज वो एंग्री भी हो गए थे मेरी वीडियो से

मेरा कंसर्न ये था कि मेरी आय का जो कॉर्निया है वो इतना थिक नहीं था मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था इवन तो मुझे उन्होंने कहा भी था कि इट्स गोना बी सेफ बट मैं नहीं एंड अप होना चाहता बहुत लोगों ने कमेंट किए थे मेरी वीडियो पे भी कि उन्होंने लेजिक करवाया यू you नो know, अलग अलग ऑपरेशन कराया उनके अच्छे हुए एंड दे आर रियली हैप्पी विद रिजल्ट गुड फॉर देम बट मैं बस इसी रीजन से नहीं करवा रहा था वट इफ इट गोज बैड और वो बैड बंदा मैं ही हूं नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट के बीच में सो दैट वॉज माई कंसर्न क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताता हूं ठीक है मेरी ना एक बंदे से बात हुई जो आई हॉस्पिटल में काम करता है वो मुझे बता रहा था कि कितने लोगों की सर्जरी के टाइम तो बोल देते हैं कि इसमें कोई पेन नहीं होता बट सर्जरी के बाद तो होता है जैसे विजन में भी कई लोगों को पेन होता है मतलब कुछ भी कोई भी रीजन हो मैं नहीं बोलना चाहूंगा रीजन क्योंकि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ मैंने जो स्टडी किया मैंने लोगों के एक्सपीरियंस थे रेडिट से मैंने वो बात

तो कह रहा था भाई इट्स लाइक अ डार्क डार्क वर्ल्ड नहीं बताते हैं लोगों को सही से कि ये भी बहुत बार होता है कि तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया और फिर भी चश्मा पहनना पड़ता है कई लोगों को फुल ऑन रिजल्ट नहीं मिलता वो लेजिक से भी ये भी मुझे उसने बताया कहा अच्छा कहता काफी लोगों को पाना पड़ता है चश्मा फुल फोकस के लिए अब कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं ओके okay, पहला तो कोई बर्ड था कॉन्ट्यूरा विजन भाई कॉन्ट्यूरा विजन पी के ही अंडर सब कैटेगरी है थोड़ा एडवांस वर्जन है उसका ओके okay? देखो आप मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कमेंट्स में कि मेरे माइनस तेरह है माइनस है मैं कौन सी करवाऊँ सर्जरी ऑब्वियसली मतलब मैं नहीं बता सकता आईसीएल ही है ऑप्शन आप जाए अच्छी जगह पे आप कंसल्ट करें काफी अच्छे-अच्छे में भी हैं आप जाए सर्च करें टॉप फाइव आई वाले I7 है। मैंने देखा काफी भी बनाता है वो बंदा काफी भी होती है। तो आप ऐसे जाके पता कर सकते हैं वैसे आईसीएल ही होगा पर मेरे समझ पूछे यहाँ किसी ने कमेंट भी किया आईसीएल कराया था 2021 में एंड सेम एक्सपीरियंस कि एक आंख से ब्लर दिखता है सनलाइट में लाइट्स में रिंग दिखती है अब कम हो गए हैं इग्नोर कर देता है ब्रेन ब्रेन अब okay. अब ओके डज इट कॉज प्रॉब्लम फॉर ड्राइविंग एट नाइट और रेंज नहीं नॉट मेरा तो बहुत ट्रेन हो गया है एंड आई थिंक जब मैं एक साल बाद दोबारा वीडियो बनाऊंगा शेयरिंग दी अपडेट तब तक तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा बाकी काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मार्शल आर्ट्स के लिए ये कैसा रहेगा इसके लिए कैसा रहेगा नेवी में कैसा रहेगा आई वुड से कंसल्ट प्लीज कंसल्ट सर्च सर्च कंसल्ट कंसल्ट आई हैव नॉट यू नो एजुकेटेड माई सेल्फ ओवर इट बिकॉज मैंने नहीं जाना आर्मी में मैंने नहीं करता मार्शल आर्ट्स मैं जिम करता हूँ मैथ्स उसमें तो ठीक है अभी तो आपको कोई मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे फील कर रहा हूँ ऐसे मैं लगा रहा हूँ कुछ तो मुझे आंखों में फील हो रहा है कुछ अब तो बिल्कुल भी याद भी नहीं आता लगाए हुए हैं ये देखो अब कई लोग मेरे से हो गए हैं वो कि यू शुड गो टू एक्सपीरियंस डॉक्टर हंड्रेड परसेंट परफेक्टली होती है यू से सेग एक्सपीरियंस मिसलीडिंग इट्स नॉट मिसलीडिंग If people are suffering, it's not misleading. It's just a warning. It can happen. Or ठीक <laughs> है यार ओके okay. misleading है यार ठीक है किसी ने पूछा कैन इट क्योर सिलेंड्रिकल नंबर आई मीन क्योर इज नॉट द राइट वर्ड कैन इट फिक्स द सिलेंड्रिकल नंबर यस अगर वन से ऊपर है वन से नीचे वालों का नहीं करेगा जैसे वन पॉइंट टू समथिंग वन पॉइंट समथिंग वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट डेन वो कर जाएगा ऐसे वाला नहीं कर पाएगा जैसे पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट टू फाइव वो वाला नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं जब दिल्ली गया था उसने मेरे आंखों में डाला पॉइंट फाइव का सिलेंड्रिकल एंड आवर एकदम क्लियर करती अब दिख रहा जी वैसे मैंने हाँ फिर उसने मुझे बताया तो ये देखा मैंने कमेंट्स में कि लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जो उन्हें लेजिक करवाया कि उनका अच्छे हुए एंड ऑल तो so यस yes, ऐसा नहीं है भाई कोई प्रोसीजर बैड होता है आपको अपने बारे में समझना है ठीक है कैसी आपकी आंखें हैं आपको थोड़ा कैलकुलेटर रिस्क लेना है uh, मैंने किसी की वीडियो देखी थी बाहर के बंदे की वो बता रहा था उसका सिल्क ऑपरेशन हुआ था एंड द डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ हिम इन फ्रंट ऑफ हिम रेड द पेपर्स वट कैन गो रॉन्ग एंड देन यू हैव टू साइन इट ऐसा नहीं है ऑन द स्पॉट तुमसे साइन करवाएगा अरे लस बहुत सेफ होता अरे आप हमारे ही बच्चे आप टेंशन मत लीजिए एक एक पढ़ा और आपको डॉक्यूमेंट देते हैं कि आप एक दिन इसे पढ़िएगा

महीने बाद <laughs> मजाक कर रहा हूं अभी ठीक है यार हेयरलाइन नहीं कर रहा नहीं कर रहा मैं इसका नहीं कर रहा चलो बाय बाय